सीनियर इंजीनियर समीर बीवी के साथ पहुंचता है एक नई जगह, एक नए प्रोजेक्ट के साथ। प्लाटिनम कंचन की मदद करने निकले समीर पर होता है जानलेवा हमला और बच के उस आदमी के घर जाने पर मिलता है और भी भयानक झटका। फिर अगले ही दिन समीर की नजर फिर पड़ती है उस घर पर, मगर ये क्या, ये तो खंडहर बन चुका है। अब आगे समीर, मेरी चुनी तो बोल ले रही साहब, लेकिन साहब इसे क्या हो गया साहब, मुझसे बात भी नहीं करी साहब। आप जो हादसा बता रहे हैं वो हुआ था कल रात को नहीं, कुछ 3 साल पहले हुआ था। अपने पति की मौत की खबर सुनकर एक औरत ने अपने बच्चों को जहर देकर मार डाला। समीर, 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 क्या हो गया क्या है तुम्हें? तुम फिर से कल रात की बातों को सोच के परेशान हो रहे हो ना? समीर कितनी बार बताओ, ये सब तुम्हारा वहम है। अब कोई लाश कैसे गायब हो सकती है? बताओ तुम। आशा माँ बनने वाली है, ऐसी हालत में अगर उसे ये सारी बातें बताई तो वो बहुत परेशान हो जाएगी। समीर चलो प्लीज, शाम को पार्टी पे नहीं चलना है क्या? मेरा पार्टी पे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं। उन लोगों ने पार्टी तुम्हारे आने की खुशी में रखी और तुम कह रहे हो कि तुम्हें नहीं जाना? अच्छा ठीक है, हम लोग जाएंगे लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। ओके ठीक है। तुम्हें पता है यहाँ पे सामान कितना सस्ता है? मैंने अपने होने वाले बच्चे के लिए कितनी सारी शॉपिंग की, ये देखो। अच्छा ठीक है, ये सब घर पे देखेंगे, अब हम लोग चलें। ओके ये रखो। जी मैं रखती हूँ। अरे वाह, इतनी सुंदर चूड़ियाँ, मैं अभी आई। आशा, आशा, अरे हाँ बोलो, सब काम ठीक चल रहा है ना? ठीक है मैं कल सुबह आके मिलता हूँ। ओके। ये बाजार खाली कैसे हो गया? आशा, 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 ये कैसे हो सकता है? कोई दिखाई नहीं दे रहा, और परछाइयां कैसे आ सकती है? नहीं, 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 नहीं। समीर क्या हुआ तुम्हें? समीर, हाँ समीर, परछाई, 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 कैसी बचाई समीर, कैसी बचाई? बिना आदमी के परछाई, बिना आदमी के परछाई, ऐसी कोई परछाई नहीं है समीर, तुम्हें क्या हो गया? देखो कुछ भी तो नहीं है यहाँ पे। चलो हम घर चलते हैं, चलो।
आइए आइए समीर जी। समीर जी नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। साहब आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप हमें बोलिए, हम सब आपके साथ हैं। हम सब आपके साथ हैं। जी शुक्रिया। समीर जी मैं आपको बाकी लोगों से मिलवा लेता हूँ। माला प्लीज अपना मुंह ठीक कीजिए, लोग क्या सोचेंगे। भाभी जी को बाकी सब लेडीज से मिलवाओ। आइए आइए सर। यह है सिद्धार्थ जी, यहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल साहब, पिछले कई सालों से स्कूल चला रहे हैं यहाँ पर। समीर जी ये बिल्डिंग कब तक तैयार हो जाएगी। जी यही कोई 5 महीने लगेंगे जी। ये रो कौन रहा है। रो रहा है? नहीं कोई नहीं रो रहा है समीर जी। ये छोटी बच्ची की रोने की आवाज नहीं आ रही आपको। नहीं कोई नहीं रो रहा है जी। नहीं मुझे तो किसी बच्चे की आवाज नहीं सुनाई दे रही। पता नहीं शायद ओवरवर्क की वजह से थोड़ी थकान हो गई होगी जी। हाँ एक्चुअली बिल्डिंग का डिजाइन बहुत अच्छा डेवलप हुआ है और जब बन के तैयार होगी तो एक्सक्यूज मी मैं भी आता। क्या हुआ आपको, रो क्यों रहे हो। आपके आपके मम्मी पापा कहाँ हैं। अरे कोई है इधर, किसकी बच्ची है। बेटा नहीं नहीं समीर, क्या हुआ समीर। हाँ क्या हुआ। मैं घर पे कैसे आया। कल रात को आपके चिल्लाने की आवाज सुन के हम सब बाहर हैं तो हमने देखा कि आप बेहोश गिरे हुए थे।
हुआ था समीर? बताओ ना। यहां कुछ तो गड़बड़ है, ये जगह ठीक नहीं है। मेरे साथ बहुत अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं यहाँ पे। मुझे ये सारी बातें पहले क्यों नहीं बताई? मुझसे क्यों छुपाया आपने? मैं तुम्हें बेवजह परेशान नहीं करना चाहता था। समी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है समी। और ये सारी चीजें आप ही के साथ क्यों हो रही है? ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन ये जगह ठीक नहीं है। हम यहां नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। मैं अभी जाके एप्लीकेशन दे के आता हूं। समीर, ये तुम्हारा फाइनल प्लान है, इसे अच्छी तरह से फॉलो करना, और अगर कोई भी तकलीफ हो तो मुझे फोन जरूर करना। पर सर, आप ऐसे अचानक क्यों जा रहे हैं? क्या हुआ सर? कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताइए। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हम लोग इस जगह पे सेटल नहीं हो पाए। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मेरा रिप्लेसमेंट बहुत जल्दी आ जाएगा। मुझे यकीन है कि ये बिल्डिंग बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है सर, ठीक है सर, ऑल द बेस्ट। सर, लगता है गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है। एक काम करो, तुम किसी को भेज के ये गाड़ी ठीक करवा लो। सर, मैं गाड़ी मंगवा देता हूँ। नहीं, रेस्ट हाउस पास में ही है, मैं पहुँच जाऊँगा। देखो, गाड़ी ठीक होते ही भिजवा देना, हमें आज ही निकलना है। जी सर, जी सर। रघु, रघु, जल्दी आओ, गांव जाके एक अच्छे से मैकेनिक को ले आओ। जी साहब। ये तो वही बुलडोजर की आवाज लग रही है। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं हरिया हूं साहब।
अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, कितनी आलस से काम कर रहे हो। ऐसे काम करोगे तो कैसे चलेगा। आज कुछ भी करके हमें चौथे माले का काम शुरू करना है। जल्दी करो जल्दी। सर सर सीमेंट बहुत कम पड़ेगा सर। सर हमने पहले भी 3 मंजिलें कम से कम सीमेंट में बनाई है सर। मुझे नहीं लगता कि चौथे मंजिल का बेड ये उठा पाएगी सर। अब तुम मुझे बताओगे कि बिल्डिंग कैसे बनती है। तुम बताओगे कि कितना सीमेंट लगेगा। जाके अपना काम करो। सर ये बहुत कमजोर है सर, कभी भी गिर सकती है सर। हमें और सीमेंट मंगाना ही पड़ेगा सर। मुझे इस मामले में और बहस नहीं करनी है। तुमसे जितना कहा जाता है उतना करो। नहीं आएगा और सीमेंट। अरे हरिया गिर गया तीसरी मंजिल से। हरिया गिर गया तीसरी मंजिल से। और उस हादसे में सिर्फ मेरी ही मौत नहीं हुई, आपकी एक गलती की वजह से मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। जैसे ही मेरी बीवी को मेरी मौत की खबर मिली, उसने मेरे दोनों बच्चों को जहर देकर मार डाला, खुद भी जहर खाकर मर गई। आप ही की वजह से मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। मुझे छोड़ दो। ये मैंने क्या कर दिया आशा। सर ये क्या किया आपने। पत्नी के कत्ल के जुर्म में आपको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। हमारा मकसद तुम्हें मारना नहीं बल्कि तुम्हें सजा दिलवाना था। अब तुम अपनी जिंदगी का एक एक दिन अपनी मौत के लिए तरसोगे और वो अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.